Chemical reactions and equations, long answer type questions of 4 to 6 marks. करते हैं। Okay, first question है आप लोगों का जो कह रहा है कि आप एक chemical reaction, how will you make a chemical equation more informative, right? Chemical equation हम लोगों को मालूम है, जैसे मान लो कि मैं ये लिख देती हूँ, N2 plus H2 gives ammonia. ये skeletal equation है. इससे हमें क्या पता चल रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर के अमोनिया बन रही है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होगी तो वो साथ के साथ अमोनिया बन जाएंगे. अभी एटमॉस्फेयर में बन रही है क्या? नहीं. तो ये इंफॉर्मेशन अभी तो हमें सिर्फ इतनी दे रहा है कि इनके कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड बनेगा. लेकिन देयर आर सम केमिकल नेसेसिटीज होती हैं रिएक्शन के लिए जरूरी. जैसे बहुत एक कॉमन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आलू को काट करके और उससे हम आलू की सब्जी बना सकते हैं. बिल्कुल बना सकते हैं. आलू रखा रखा सब्जी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना. उसके लिए हमारे को कुछ सर्टेन रिएक्टिंग प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ही है सब्जी बनना, बिल्कुल रिएक्शन है वो, हमारे को इंफॉर्मेशन होगी. अब किसी को पता नहीं आलू की सब्जी कैसे बनती है, तो वो बैठा बैठा देखता रहेगा कैसे बनेगी. लेकिन मुझे कोई कहेगा बना दो, मैं फटाफट काटूंगी, छीलूंगी, उसको जो जरूरी मसाले हैं वो डालूंगी, गैस पे रखूंगी, तड़का लगाऊंगी, सब्जी बन जाएगी, राइट? लेकिन अगर दूसरे को नहीं मालूम तो. अब यही बात इनके साथ आती है, रिएक्शंस के साथ. हमें नहीं मालूम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें रिएक्शन कंडीशंस देनी जरूरी है. और वही होता है कंप्लीट इक्वेशन. मतलब इक्वेशन है क्या? एक्चुअली एक लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में छोटे से में बताया जाता है. ये कंप्लीट लैंग्वेज है, ये एक तरीके से जो केमिकल इक्वेशन है. अब यहां इसने बता दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बन गया, बिल्कुल ऐसे जैसे आलू और टमाटर मिला के हमने आलू टमाटर की सब्जी बना दी. कैसे, क्या क्या देना पड़ेगा, अभी देते हैं. तो इंफॉर्मेशन के लिए एक तो हम लोगों को बहुत जरूरी होता है कि हम लोग इनको थोड़ी सी अभी जगह देती हूं मैं, सो दैट बाकी चीजें लिख सकूं. N2 नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं तो एक इंफॉर्मेशन आ गई कि दोनों प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट भी गैसीय स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैसीय स्टेट में है, फाइन. लेकिन क्या ऐसे होकर के तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सब है, रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई और रिक्वायरमेंट है. आलू टमाटर को एक साथ रख तो सब्जी तो नहीं बनी, राइट? ओके, एक और इंफॉर्मेशन देखते हैं. फिजिकल स्टेट तो लिख दी. ये जो एरो है ना, एरो इसको भी थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, सो दैट मेरे को और जगह मिल पाए. ये एरो बड़े काम की चीज है. इस एरो पे हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि कितना टेम्परेचर देना है, कितना प्रेशर देना है, कैटलिस्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, या खाली हीट करने से काम चल जाएगा, टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिखते हैं. लेकिन उससे पहले देखो, हम लोगों ने पहले तो स्टेट्स लिखी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस, राइट? चलो तो बैलेंस करते हैं. यहाँ पे 2 अमोनिया एंड 3 हाइड्रोजन, राइट? एक और इंफॉर्मेशन होगी, पहला फिजिकल स्टेट लिखना, दूसरा बैलेंस करना, थर्ड इक्वेशन, ठीक है? फर्स्ट तो हमने क्या लिखा, फिजिकल स्टेट मेंशन की, फिजिकल स्टेट. सेकेंड हमने क्या किया, बैलेंस. थर्ड हम क्या देंगे, इस एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशंस, इफ एनी. सारे के सारे की जरूरत नहीं होती, कुछ भी रिएक्शन कंडीशंस होती हैं. एक चीज होती है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, वो केमिकल्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, मदद करने वाले हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाते हैं. हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे. तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो रिएक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फटाफट हो जाता है, तो वो लिखना जरूरी है. हम इंतजार कर रहे, रिएक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पता चला कि हम लोगों ने तो इसमें कैटलिस्ट डाला था आयरन या मॉलिब्डेनम, ठीक है? और यहां पे टेम्परेचर देना जरूरी था 875 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है.
ये नॉर्मली मिलेगा नहीं, ये होगा नहीं, हम इंतजार करते रहेंगे। यहाँ पे हमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा देना है, 200 एटमॉस्फेयर, ओरे बाप रे। अदरवाइज जब तक हमने ये नहीं लिखा था हम तो इंतजार ही करते रहते, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशंस में हमें कंडीशन मिलती नहीं, रिएक्शन होता नहीं। तो हम लोग तीसरा क्या करते हैं, तीसरा करते हैं हम लोग रिएक्शन कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमारे को इंफॉर्मेटिव बनाती ही बनाते हैं इक्वेशंस को। उसके बाद कुछ और रिएक्शन होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, या किसी रिएक्शन में गैस लिबरेट होती है, उसको हम कैसे शो करेंगे कि कौन सा प्रेसिपिटेट बना, किसमें गैस लिबरेट हुई। एग्जाम्पल लेती हूं मैं, मान लो मेरे पास है सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। अभी मैं रिएक्शन कंडीशन नहीं लिख रही, मैं खाली आपको ये बता रही हूँ कि होगा कैसे, राइट, कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये रिएक्शन देख के मेरे स्टूडेंट जरूर बता देंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोडियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, राइट। अब यहां पे एक चीज तो बनेगी हमारी प्रेसिपिटेट, और दूसरी चीज हमारी बनेगी लिक्विड सोल्यूबल इन वाटर, दोनों में से। यहां सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये रह जाएगा लिक्विड में, बताना जरूरी है प्रेसिपिटेट कौन सा आएगा। और दूसरा जो था सिल्वर क्लोराइड था AgCl, इसको हम ऐसे सॉलिड लिख करके ऐसे एरो करेंगे नीचे की तरफ। एरो दिखाने का क्या मतलब है, जब हम रिएक्शन करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में ऊपर सॉलिड पार्ट बनके किसका आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का। ये हमारे को बताना जरूरी है कि क्या हुआ, जो इस सॉलिड कौन सा है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखते ही पता चल गया कि अच्छा ठीक है, एक सॉलिड बन गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें गैस लिबरेट होती है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मेटल विद एसिड। चलो HCl ले लिया और जिंक ले लिया, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, क्या होगा। इसमें भी हम लोगों को लिखना जरूरी है, एसिड हम लोग एक्वस ले रहे हैं यानी कि डाइल्यूट ले रहे हैं, जिंक हमने सॉलिड पार्टिकल्स ले लिया, और यहां पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ये इस तरह का एरो जब हम बनाएंगे तो क्या कह रहे हैं, लिबरेट हो रही है, गैस निकल रही है बाहर, ठीक है। ये इस तरह से इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। तो किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, आप लोग अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखेंगे इसको। पहला क्या, फिजिकल स्टेट मेंशन करके, सेकंड बैलेंस करके, थर्ड रिएक्शन कंडीशंस लिख करके, फोर्थ ये बताते हुए कि प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है, एरो से शो करेंगे, सॉलिड है उसके नीचे की तरफ एरो करेंगे, गैस है तो ऊपर की तरफ एरो करेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जो इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाती हैं। ओके, लेट्स गेट टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, एग्जांपल देने हर एक के। आपसे जब भी कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन पूछे तो अंडरस्टूड है कि आप लोगों ने तीनों डीकंपोजिशन एग्जांपल देने हैं, पक्का देने हैं। आपने खाली ये नहीं बता देना है कि कंपाउंड टूट गया एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी एक कंपाउंड टूट जाता है, या तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में या कुछ और कंपाउंड या एलिमेंटल किस कैसे भी, मतलब टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और दूसरे कंपाउंड्स में टूट गए, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके टाइप्स साथ के साथ लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, बिना टाइप्स लिखे हुए आप अपने उसको कंप्लीट नहीं करेंगे क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसका मतलब डिकम्पोजिशन किसकी मदद से हो रहा है, हीट की मदद से हो रहा है। व्हेन ए कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इनटू अदर कंपाउंड्स या स्मॉलर कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम बाहर से हीट देते हैं। जैसे अभी एक कॉमन एग्जाम्पल था कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड था, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड
बना, ये भी सॉलिड है, प्लस CO2 गैस रिलीज हो गई, गैस रिलीज हो गई तो हम ऐसे शो करते हैं, राइट। ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। दूसरा क्या होता है एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब कंपाउंड तोड़ा जा रहा है किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एक और आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, ब्राइन का वही एग्जांपल दे देता हूं। चलो मैं, ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, कुछ नहीं, NaCl प्लस वाटर, और इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है, यहां से सोडियम आयन टूट जाएगा, क्लोराइड आयन टूट जाएगा, यहां से एच आयन अलग हो जाएगा, ओ एच आयन अलग हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की दोनों लिबरेट हो जाएंगे कैथोड पे और एनोड पे, क्योंकि हम क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इनके आगे आप गैस लिख सकते हो, ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में मिलेगा NaOH। ये है एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड इज कौन सा होता है, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक हो गया, फोटोलिटिक, फोटोलिटिक, फोटोलिटिक मतलब किसमें टूटना, किसकी प्रेजेंस में टूटना, सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाना। एग्जांपल इसके H2O2 भी होता है, H2O2 किसकी प्रेजेंस में, ये म्यू का साइन होता है लाइट का, टूट जाएगा किसमें, H2O प्लस ऑक्सीजन में, या फिर सिल्वर क्लोराइड AgCl, अरे AgCl कैसे लिख रही हूँ मैं, सिल्वर क्लोराइड को भी अगर हम लाइट इसमें से पास करते हैं तो किसमें टूट जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में, ये टूट जाएगा, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। तो ये तीन टाइप है किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं इसमें, पर्टिकुलर कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, आपको बताना है कि ये किस टाइप के इक्वेशन है। पहला एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इज ए प्लस बी इज ए बी, देखने से क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई बार ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे को बहुत ज्यादा नंबर दिला जाते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो, बेसिक्स गड़बड़ है तो पंगा हो जाएगा। नाउ सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपका ए बी, क्या दे रहा है, ए प्लस बी, समझ ही आ गया होगा क्या है, डिकम्पोजिशन। अच्छा एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे तो ए बी ये कॉमन एग्जाम्पल आ गया, मान लो इस एरो पे अगर म्यू बना हुआ होता तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगर इस पे इस तरह का साइन बना होता तो हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनी हो, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ होता तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये ध्यान देना, अभी तो कॉमन है तो हम खाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे देंगे। ओके अगला है आपके पास एग्जाम्पल है, क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस वाई, क्या बना रहा है, ए एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट आपको बना के दे रहा है ए वाई प्लस एक्स, कुछ समझ आया, यहाँ रिएक्टेंट में ए के पास एक्स था, वाई अलग से था, प्रोडक्ट में ए के साथ वाई हो गया, एक्स अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इजी। नाउ फोर्थ आपको जो टाइप दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए बी प्लस सी डी, देखेंगे ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी, ए डी प्लस, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, कुछ भी कोई पर्टिकुलर उसके नहीं है। देखो नजर आ रहा है, यहां पे अलग अगर हम करके देखें, यहां पे ए के साथ क्या आ गया, डी आ गया, बी के साथ सी आ गया, आपस में आयन्स एक्सचेंज हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मुफ्त के नंबर होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड Cl प्लस Ki क्या दे रहे हैं हमारे को, KCl और I2। KCl प्लस I2, ये आपका बैलेंस भी कर लेते हैं हम लोग, 2 पोटेशियम आयोडाइड 2 और ये भी 2 हो जाएगा ना, 2 नहीं यहाँ पे हो जाए Cl2 राइट, बैलेंस हो गए सारे के सारे, Cl2 2Cl 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड राइट फाइन। ये क्या एग्जांपल है, ये फिर आपको नजर आ गया आपकी बात, वो कॉमन वो ले रखा था, जनरल ले रखा था, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन ले लिया, यहाँ क्लोरीन अलग था, पोटेशियम आयोडाइड था, पोटेशियम के साथ क्लोरीन आ गई, आयोडीन अलग हो गया, नो डाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखते हैं क्या दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके एमजी प्लस ओ2 क्या बना रहे हैं, एमजीओ बना रहे हैं। इसको हम दो नाम दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन तो है ही, आप कॉम्बिनेशन लिखोगे गलत नहीं होगा, लेकिन एक चीज और होती है, ये चीज और ध्यान देखें, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन या फिर हम ऑक्सीडेशन के साथ साथ हम इसको कंबशन रिएक्शन भी दे सकते हैं, कंबशन हो रहा है मेटल का, तो ये इसको हम कॉम्बिनेशन या ऑक्सीडेशन या कंबशन, तीनों चीज, ये स्लो कंबशन है इसीलिए इसको जनरली कम ही लेते हैं हम, ठीक है ओके। नाउ सिक्स के इसको इरेज कर दो, क्या और है क्या क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी अपने स्क्रीन पे, सिक्स के बाद अपने पास क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl। देखो कई कोशिश ये किया करो, बेशक आपको ना इक्वेशन दे रखे हो, कोशिश ये करो जैसे ही रिएक्टेंट दिए प्रोडक्ट अपने आप बनाने की कोशिश, ये यहां से टूटेगा ये यहां से टूटेगा, सिल्वर किसके साथ जाएगा, AgCl प्लस क्या हो जाएगा ये HNO3 अलग हो गया राइट, कौन सा रिएक्शन हो गया, दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, कितने आसान से क्वेश्चन थे, फटाफट से 5 नंबर हाथ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी नाइस, रिडॉक्स रिएक्शन को कर लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पार्ट, रिडॉक्स ये एक अकेला रिएक्शन नहीं है, दो रिएक्शन से मिलके बनाइए, एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक है रिडक्शन एंड अदर इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तीन चीजों के एडिशन और रिमूवल से हम डिफाइन कर सकते हैं, मान लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन एंड रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन, ये हमेशा एक साथ चलेंगे ही चलेंगे, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे में रिडक्शन होगा ही होगा, अकेले नहीं मिलेंगे ये, हाइड्रोजन इसका उल्टा होता है, एडिशन इज रिडक्शन एंड रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से काम करते हैं राइट, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं, मान लो आपका CuO है, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन राइट, तो क्या बना देगा ये, कॉपर प्लस CO2, रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, इस तरीके से समझाना है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जिसमें रिडक्शन हो रहा है दैट इज कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट का कलर फेड क्यों हो जाता है अगर उसमें हम आयरन फिलिंग डाल दें। लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या कहा? कॉपर सल्फेट, आयरन फिलिंग इज आयरन। क्या होगा इसको देखते ही तो मन लालची हो गया होगा ना, इस रिएक्शन को देखते ही। मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? FeSO4 plus copper is displaced। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसका कलर होता है पेल ग्रीन। ये कलर्स तो आपको याद करने करने पड़ेंगे, इसका कोई और दूसरा वो अल्टरनेटिव नहीं है। तो आप क्या बताओगे? द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स टू पेल ग्रीन एंड दैट इज कलर ऑफ आयरन सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज पेल ग्रीन, दैट इज व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स आफ्टर एडिशन ऑफ आयरन फिलिंग्स। आगे पांच नंबर, रिएक्शन से सपोर्ट करो अपने इक्वेशन को, नंबर कहीं नहीं जाने वाले। सो इस वाले वीडियो को मैं आज यही खत्म करती हूँ। अगली वीडियो के साथ हम लोग शेयर करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय, स्टे हैप्पी।